डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। सुबह से ही संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर समाज के लोगों के द्वारा माल्यार्पण किया गया, तो वहीं शुक्रवार की शाम शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा मसानी क्षेत्र के संत रविदास आश्रम से प्रारंभ होकर निकाली गई, जो कि गेट भरतपुर गेट, होली गेट, छत्ता बाजार, चौक बाजार, मंडी रामदास होते हुए संत रविदास आश्रम पर समापन हुई। इस शोभा यात्रा में बैंड बाजों की धुन पर दर्जनों की संख्या में झांकियां निकाली गईं और सभी समाज के द्वारा जय भीम के नारे भी जोर शोर से लगाए गए। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शोभा यात्रा में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा और इस शोभा यात्रा का जगह जगह पर जोशीला स्वागत किया गया। जगह जगह हो रहे स्वागत में मीठे शरबत की प्याऊ लगाई गई एवं जगह जगह पर मिष्ठान वितरण किए गए। शोभा यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए समाज के लोगों ने कहा कि हर साल की भांति इस बार भी बाबा साहेब अंबेडकर की 132वीं जयंती सभी मिलजुल कर मना रहे हैं, जिसमें सभी क्षेत्रों से झांकियां एकत्रित होकर संत रविदास आश्रम से प्रारंभ हुई। इस शोभा यात्रा में समाज के साथ साथ हजारों की संख्या में सर्व समाज के लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। आज क्या आयोजन किया गया आपके द्वारा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 132वें दिनोत्सव पर महिला मंडल बसंत विहार की ओर से, ये मेरी मैडम हैं, ये हैं उनकी मुख्य हैं दर्शक हैं की इनके सदस्य के सदस्य बाकी सदस्यों के साथ देख रेख में ये प्रसाद कार्यक्रम किया गया है। बाबा साहब की जान अभी संत आश्रम से और ये शोभा यात्रा भी होली गेट होते हुए और गेट होते हुए सीधी अपने आश्रम से जाएगी, तो यहाँ पर प्रचार का प्रयोग किया गया। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि बाबा साहब का जन्मदिन पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में बड़े ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है। इसी तौर पर मथुरा जनपद में महिला मंडल बसंत विहार की ओर से ये आयोजन रखा गया है, जिसमें प्रसाद ग्रहण किया जा रहा है। क्या नाम है? क्या आयोजन रहा, किस प्रकार का आयोजन रहा आज? बाबा साहब ने उनका क्या नाम है गुड़िया? आप वॉलंटियर के रूप में यहाँ पे मौजूद हैं? आप इस आयोजन में आपकी सहभागिता कैसे रह रही है, क्या कार्यक्रम देख रही हैं आप? कैसा लग रहा है? देख रहे हैं। देख रहे हैं। कैसा लगा आपको ये एक्टिविटी करके? बहुत अच्छा लगा।